सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। गिवन है 10 पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, और प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 रूट 2। कुछ बुक्स में या कुछ वेबसाइट्स पर ये खाली प्लस साइन के साथ है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लस माइनस ही होगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें दे रखा है 10 पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा। अब मैं इस कॉट को चेंज करता हूं 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा की फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली में 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं होगा, प्लस। अब मैं देखिए इसको चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा 10 पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। एक्चुअली में यहां पर गलती होती है कि यहां पर सिर्फ प्लस छोड़ देते हैं, यहां पर भी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। ये मैं आपको अभी इसकी वजह बता देता हूं, ये वजह जानना जरूरी है, जिसको कि हम ग्राफ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि टेन की वैल्यू यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहां थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है ना। टेन कैसा होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां पर भी टेन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमने पढ़ा है, क्या बात समझ में आती है। अब मैं एक एंगल की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां पर लाई करेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले पहुंचेंगे 10 पाई बाई 2 पर पहुंचेंगे, तो यहां से प्लस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस गिना जाता है एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस गिना जाता है एंगल, ये तो हमको पता है। ओके, तो सबसे पहले हम पाई बाई 2 पर पहुंचे प्लस, और फिर थीटा माइनस किया, तो वापस कहां पर आए, वापस किसी थीटा पर आए। तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला, इसका जब भी हम 10 निकालेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है। ओके, अच्छा एक बार को मैं लिखूं 10 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें लिखी हैं, माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका क्या मतलब है, तो पहले 10 माइनस पाई बाई 2 पर पहुंचूं मैं, तो मैं पहुंचा माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, क्या बात समझ में आती है। और फिर थीटा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, तो थीटा को वापस और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, बात समझ में। तो एंगल तो यहां बनेगा ना भाई, 90 माइनस थीटा वाले पे बनेगा, यहां पर भी एंगल कहां बन रहा है, यहां पर 90 माइनस थीटा वाले पे बन रहा है, तो यहां पर भी 10 की वैल्यू कैसी आनी है, पॉजिटिव आनी है। हेंस यहां पर क्या लेना है, प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा लेना है। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है कि आपको करवाया जाए, ठीक है, ताकि आपको ये वाली बात का अंदाजा हो जाए। ओके, अब कुछ नहीं है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको मिलेगा पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। क्या बात समझ में आती है, पाई 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ में आई। ये साइन थीटा यहां पर माइनस लेकर खड़ा हुआ है, इसको इधर भेज देते हैं, तो हमको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। आई होप आपके समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या खास बात मैं करूंगा, क्योंकि मुझे आंसर निकालना है थीटा माइनस पाई बाई 4 में, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन के अंदर एक ही काम करना पड़ता है जो मैं यहां पर करूंगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 था। देखिए खास बात क्या करूंगा कि इस पूरी इक्वेशन को मैं अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर भी अंडर रूट 2 लगा दूंगा। देखिए राइट हैंड साइड तो दिख गई, चमक गई राइट हैंड साइड कैसी आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा, ये 1/√2, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, ये cos 45 है, यहां sin 45 मत रखिएगा, cos 45, इट इज cos 45, तो हम लिखेंगे cos थीटा cos 45, cos 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
पाई बाई फोर एंड इट इज साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई फोर. ओ मैंने पाई बाई टू लिख दिया, सॉरी इट इज पाई बाई फोर. क्या देख पा रहे हैं आप लोग यहां तक? ओके ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट टू. क्या है फॉर्मूला? इसको तो मिटा दूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कंसेप्ट है. ओके ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है बच्चों? ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का कॉस. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट टू एंड इट इज प्रूव्ड. नोट कर लीजिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मोर देन 400 क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्पिटिटिव, उनको यहां लगाने वाला हूं मैं, उनको सबको देखते चले जाइए. और भी चैप्टर्स के पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स और फिजिक्स के वीडियो आपको यहां पर मिलेंगे. ओके थैंक यू वेरी मच.